इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में लॉकडाउन 4 के गाइडलाइंस का ऐलान किया जाएगा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन 4 नए रंग रूप में होगा और अब से कुछ ही देर में गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। लॉकडाउन 4 में क्या वो नए गाइडलाइंस होंगी? कल से नए तरीके से लॉकडाउन जो है वो लागू होगा। आर्थिक गतिविधि किस तरीके से शुरू हो, इसके लिए रोड मैप जो है वो तैयार हो जाएगा। पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में 31 मई तक लॉकडाउन जो है वो बढ़ाया गया है। पहले फेज़ में सिर्फ ज़रूरी सामानों के लिए छूट दी गई थी। दूसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो जोन में बांटा गया था। ऑरेंज ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की परमिशन जो है वो मिली थी। दूसरे फेज में हॉटस्पॉट छोड़कर सभी जगहों पर दुकानें खोली गई थी। तीसरे फेज की बात कर ले, फैक्ट्रियों में सशर्त काम करने की मंजूरी दी गई थी। तीसरे फेज में प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन और बस चलाई गई। तीसरे फेज में लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई है, जो दूसरे राज्यों में फंसे लोग हैं वो अपने अपने राज्य जा सके, इसके लिए ये ट्रेन चलाई गई थी। ये व्यवस्थाएं इन तीन फेज के दौरान हुई है। लॉकडाउन 4 नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों के साथ आएगा। तो क्या गाइडलाइंस होंगे, इसकी जानकारी थोड़ी ही देर में दी जाएगी। सभी को इंतजार है, क्योंकि एक तरफ बात की जा रही है कि हमें अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देना है, और ऐसे में क्या नए नियम होते हैं, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का जब लौटने का सिलसिला बढ़ा है, जो छूट दी गई फेज़ 3 में बात कर ले कि जिस तरीके से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि लोग जहां फंसे हुए हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचे, तो ऐसे में एक चीज़ सामने आ रही है कि प्रवासी मजदूर जो अपने घरों के लिए लौट रहे हैं वो उस ज़िले के लिए, उस राज्यों के लिए जो है एक चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है। तो ऐसे में अब नई गाइडलाइंस क्या होगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जो है अमित दुबे जुड़े हैं। अमित, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, नए रंग रूप नए नियम वाला होगा लॉकडाउन 4, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। छूट तो दी जाएंगी ये बात कही जा रही है, लेकिन पिछली बार जैसे देखा गया था जोन में बांटा गया था, हॉटस्पॉट इलाकों में परमिशन नहीं थी बहुत सारी चीजों की, इस बार नया रंग रूप नया क्लेवर क्या हो सकता है? देखिए, लगातार इसे लेके चिंतन मंथन चला, खासतौर पर चाहे वो गृह मंत्रालय बैठक करे, लगभग 4.5 घंटे बैठक चली, उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्रालय की जो बैठक थी वो भी लगभग 3 घंटे के आसपास थी, और लंबी जो है जद्दोजहद इसे लेके चल रही है, क्योंकि संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में तमाम राज्यों ने जो सुझाव दिए, खासतौर पर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बस के साथ मेट्रो चलाने की भी दिल्ली सरकार ने अपने प्रस्ताव में भेजा है कि दिल्ली में मेट्रो भी चलाई जाए, लेकिन जो जरूरी लोग हैं उसकी कोई गाइडलाइंस हो कि कौन से लोग जो है जो मेट्रो के जरिए यात्रा करेंगे या बसों के जरिए यात्रा करेंगे। दूसरी बड़ी चीज, चूंकि अब आर्थिक स्थिति भी देश की सुधारनी है, तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार बंद है, तो बहुत सारे निजी काम जो है, चाहे वो बिल्डिंग के काम हो या अन्य जो काम हो, निजी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिनमें 4-6 वर्कर काम करते हैं, उनमें भी अब तक लॉकडाउन की वजह से पूरी तरह से एक काम प्रतिबंधित है। ऐसे में उन सब्जेक्ट पे भी जो है सरकार विचार कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती अमित ये है कि जितनी छूट दी जा रही है, जो हम और आप देख रहे हैं, छूट दी गई कि मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन अब राज्यों के सामने बड़ी चुनौती यही प्रवासी मजदूर हो रखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार समस्याएं बनी हुई है। हालांकि कल जिस तरह से, खासतौर पर यूपी की बात करें, कि जिस तरह सीएम का खुद बयान आया, मुख्य सचिव का बयान आया, उनका किसी को भी यूपी के सीमाओं में प्रवेश ना दिया जाए, चाहे वो पैदल यात्री हो, बाइक पे सवार हो, या वो किसी भी डीसीएम या ट्रक के जरिए। हालांकि ये भी राहत की गई है कि राज्यों के जो प्रशासनिक अधिकारी है, खासतौर पर IAS IPS है, वो लोग जो है बसों की बसें अरेंज कर सकते हैं और इन लोगों को इनके घरों तक छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी अधिकारी जो है वो रिस्क लेने को तैयार नहीं, हर कोई अपनी मुसीबत दूसरे के सहारे छोड़ना चाहता है, और यही वजह है कि अगर किसी जिले में कुछ श्रमिक मजदूर दिखाई देते हैं तो कोशिश की जाती है उन्हें जल्द से जल्द जो है वो सीमा पार कराई जाए,
यहाँ तक कि जो थाना अध्यक्ष है वो अपना थाना क्षेत्र पार कराना चाहते हैं कि हमारे थाना क्षेत्र से ये लोग निकल के दूसरे की जगह पहुंच जाए, यानी अपनी मुसीबत कहीं ना कहीं लोगों को भी अभी मुसीबत लगने लगी है, चाहे वो प्रशासन की बात करें तो वो एक दूसरे एक तरफ गेंद फेंकी जा रही है और यही वजह है कि श्रमिक जो है वो लगातार परेशान है। तो इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ये तस्वीरें तो सरकार के सामने भी है, लेकिन बावजूद इसके अब आज उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई, बहुत अधिक संख्या में ट्रेन चलाने की बात की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके सड़कों पर जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो भयावह और डरावनी है। अब बात कर ले दिल्ली की, आपने कहा कि दिल्ली में मेट्रो चलाने की, बस चलाने की बात सामने आ रही है और हम दो चार दिनों से देख रहे हैं कि इस पर मंथन भी हो रहा है। दिल्ली के सारे इलाके हॉटस्पॉट हैं और रेड जोन में ही आते हैं, ऐसे में अगर संचालन शुरू किया जाता है चाहे वो मेट्रो हो चाहे बसेस हो, कितने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? ऑफिसेज खुल जाएंगे तो उन्हें ऑफिस पहुंचने की जल्दी होगी, ऐसे में ये तमाम एहतियात क्या बरते जाएंगे? क्योंकि पहले दिन हमने तस्वीर देखी थी जब शराब की दुकान खुली थी तो क्या 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 हालात थे? देखिए अभी जब लॉकडाउन लगातार चल रहा है, चाहे लॉकडाउन वन की बात करें, टू की बात करें या लॉकडाउन थ्री जो कि थ्री आज खत्म हो रहा है, इसमें भी कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देगी। चाहे वो शराब की दुकानों की बात की जाए, राशन की दुकानों की बात की जाए, तो किस तरह से लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हैं। श्रमिक मजदूर जो बसों से यात्रा कर रहे हैं, ट्रकों से यात्रा कर रहे हैं, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। और बसों में खासतौर पे कंडक्टर और ड्राइवर को हिदायत दी जा सकती है कि वो एक सीट पे एक सवारी बैठाए, लेकिन मेट्रो के लिए इस तरह की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आम दिनों में भी जो मेट्रो चलती है वहां पे भी मेट्रो में जगह नहीं मिलती और लगातार कई स्टेशन ऐसे, चाहे साकेत की बात की जाए, केंद्रीय सचिवालय की बात की जाए, चांदी बाजार की बात की जाए, जहां लंबी लाइनें देखी जाती हैं खासतौर पे लोगों के आने जाने के लिए, तो एक बड़ी चुनौती है सरकार सामने। यही वजह है कि जो दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया, इसे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसे लेके लगातार मंथन कर रही कि आखिरकार किस तरह से चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए। हालांकि ग्रीन जोन और जो ऑरेंज जोन है वहां पे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन कई सारे ग्रीन जोन जो है वो श्रमिकों की वजह से अब ऑरेंज और रेड में आ गए, ये भी सरकार के लिए चुनौती है। और यही वजह है कि आज 12 बजे के बाद जिस तरह से लॉकडाउन 3 खत्म होगा और उसके बाद से अब तक जो गाइडलाइंस नहीं जारी हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द जो है वो गाइडलाइन। बार बार प्रधानमंत्री ने भी ये बातें कही थी और अगर हम देख ले तो राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो ये बात दोहरा रहे हैं कि ये लंबा चलने वाला है, हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी, हमारे पास चुनौती जो है हमें उसे कहीं ना कहीं इस आपदा से निपटने के लिए हमें सक्षम होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम बहुत लंबा ये लॉकडाउन नहीं चला सकते, रियायतें दी जाएंगी, लोग खुद तैयार ले, खुद जिम्मेदारी ले, खुद अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग हो, और इसलिए ये बार बार बताया जा रहा है, ये आपको मेंटली तैयार किया जा रहा है कि अब हमें इसके साथ जीने की आदत हमें डालनी होगी। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा है, अपने साफ किया है कि अब कोरोना के साथ जीना होगा, क्योंकि जिंदगी पे कोरोना भारी नहीं हो सकता, एहतियात बरतनी जरूरी है, चाहे मास्क की बात करें, सैनिटाइजर की बात करें, सोशल डिस्टेंस की बात करें, बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे में कैसे लोग अपने आप को बचाएंगे, ये लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि सरेआम जब लॉकडाउन चल रहा है वो सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं, तो ऐसे में जो लोग उसका बचाव भी करना चाहते हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं इसकी गर्दिश में आते हैं। और यही वजह है कि अभी भी जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पे रेड जोन जो है वहां पे किसी भी तरह की एक्टिविटी की सरकार छूट नहीं दे रही है, लेकिन हॉटस्पॉट एरिया जो है वो खासतौर पे रेड जोन उन्हें सीमित किया गया है। सरकार साफ तौर पर चाहती है कि जो इस तरह के जोन है उन्हें पूरी तरह से जो है वो सील्ड किया जाए, जिससे वहां पे किसी तरह का आवागमन ना हो, क्योंकि ज्यादातर जो रेड जोन है वो चिन्हित कर लिए गए हैं और उसके बाद जो सरकारी गाइडलाइंस ऑरेंज और ग्रीन जोन में काम कर सकते हैं। तमाम प्रदेश हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में प्रयास है, हमें तो अभी क्या नई गाइडलाइन होंगी इसका इंतजार आपको भी है, हमको भी है, लोगों को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए।